बच्चों आज आप सब से मैं थैंक यू और सॉरी पूरे दिल से दोनों एक साथ बोलने आया हूं। जब आप अपना प्लेसमेंट छोड़ते हो या लाइफ में कोई रिस्क लेते हो और आपके परिवार के सारे अर्निंग मेंबर्स आपके साथ साथ वो रिस्क लेते हैं ना, तो मन में एक डर होता है कि सही नहीं हुआ तो सब जो करा धरा है वेस्ट हो जाएगा, क्या मुंह दिखाऊंगा, एक प्रेशर क्रिएट होता है मन में। पर यार जो सेमिनार में हुआ ना, उसमें बताया आप लोगों ने क्या किया, वो जो रिस्क ली थी ना, वो जो सेक्रीफाइस किया था ना, उसका आपने 1,00,000 गुना ज्यादा रिटर्न दे दिया। तो आप सोच रहे होंगे थैंक यू और सॉरी क्यों बोल रहे हैं फिर सर, बताता हूं। तो यार हमने जो कोटा का एक सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है क्लोज्ड, उसको बुक किया क्योंकि इतने बच्चे मिलना चाह रहे थे, सेमिनार इसलिए किया था, पता था यार वो फुल हो जाएगा। तो पता है पर क्या हुआ कि 750 करीब की उसमें सीटिंग कैपेसिटी है, 1,500 बच्चे आ गए, डबल। हम लड़े एकदम हॉल वालों से कि नहीं भाई, हम जितना मैक्सिमम हो सकता है अंदर बच्चों को आने देंगे, कर करके इधर गैलरी में उधर गैलरी में बीच में भी बच्चे खड़े रहे इतने टाइम तक, इतना प्यार, इतना दीवानापन, इतना रिस्पेक्ट। पर यार बच्चों 1,000 टोटल के बाद पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी उस सेमिनार हॉल में, तो हमको 300-400-500 बच्चों को मना करना पड़ा। इतनी उम्मीद से वो आए थे, उनको घर भेजना पड़ा। मैं आप सब से, पूरी इसरल की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, इनके सर, सारान सर, सारे टीचर्स की तरफ से माफी मांगता हूं कि आप आए और हम आपसे मिल नहीं पाए। पर साथ में आपसे ये भी वादा करता हूं कि बहुत जल्दी जो बच्चे नहीं आ पाए थे उनसे भी मिलेंगे, चाहे एक एक बच्चे से मिलें, पर जो आपने किया उसके लिए थैंक यू। बहुत सालों से कुछ ऐसा कोटा में नहीं हुआ, किसी ने नहीं देखा। मतलब जब हम अंदर थे ना, हम लोग ने सोचा था पीछे से, एकदम पीछे से वहां से आएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे, 5 मिनट लगेंगे, बट इतने सारे बच्चे आ गए उसमें कि फोटो खींचने के लिए, गले मिलने के लिए, प्यारी प्यारी बातें करने के लिए 20-25 मिनट नीचे आने में लग गए। उसके बाद भी जब सेमिनार खत्म हो गया, वी वर देयर टिल 6 बजे चालू हुआ था, 10:30-11 बजे तक बच्चे थे, एक एक करके मिलने आ रहे थे, फोटोज ले रहे थे। यार थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए। हर इंस्टीट्यूट का बच्चा हमारे लिए सब बराबर है, सब लोग आए और इतना स्पेशल फील कराया ना उन्होंने। इतना ग्रेटफुल हूं मैं उस दिन के लिए जिस दिन मैंने डिसाइड किया था कि यार नहीं, इसरल चालू करेंगे। हमारी पूरी टीम, हमको विश्वास नहीं हो रहा, अभी मैं जब बात कर रहा हूं उस इवेंट के बारे में तो भी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, जब गुरुकुल चालू हुआ था उसको गिराने की कितनी कोशिशें की गई, कोटा में कितनी दिक्कतें पैदा की गई यार हम लोगों के लिए, हम जानते हैं। और बच्चों ने सबका मुंह बंद करा दिया, सबके जो अरमान थे सब पर पानी फेर दिया, और आज यार इसरल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूट इन कोटा बनकर खड़ा है ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन में तो यार आप लोगों का अविश्वसनीय प्यार मिलता जा रहा है। 1500 IITians, इतने सारे बच्चे भारत के अलग अलग एम्स में, इतने सारे 10th के टॉपर, सब कुछ वही सेम जो प्यार है ऑफलाइन में भी मिल गया है बच्चों का। तो जैसे ऑनलाइन में हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आता था, अब ऑफलाइन में भी इसरल हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो लेकर आएगा। बहुत सारे बच्चे जो पूछ रहे थे तब हम जवाब नहीं दे पाए थे, वो भी मैं बता देता हूं। वो बच्चे जो जेई 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैक्सिमम क्वेरीज उनकी आई थी कि सर हम कैसे गुरुकुल में आ सकते हैं। तो यार जो जेई 2026 वाले बच्चे हैं उनके लिए, जो एकदम जीरो से, पूरी 11th जीरो से जो तैयारी शुरू होने वाली है, वो 12 अक्टूबर, 15 नवंबर और 22 दिसंबर से 3 फेजेज आने वाले हैं, और नीट वालों के लिए 22 दिसंबर को एक फेज आने वाला है, तो आप आकर पढ़ सकते हो। हम बहुत एक्साइटेड हैं, पर थैंक यू सो मच, पूरे दिल से बोल रहा हूं यार। आपने
क्या कमाल कर दिया आपने, हमारे लिए क्या किया है, हम वो कभी नहीं लौटा सकते बच्चों, आपसे ही हम हैं। हर एक बच्चे से बोल रहा हूं और बहुत दिल से बोल रहा हूं, और वापस से माफी मांगता हूं हर एक उस बच्चे से जो सेमिनार में अंदर नहीं आ पाया या जिसको थोड़ी भी कुछ तकलीफ महसूस हुई। अगली बार भाई बहुत बड़ी जगह बुक करेंगे जिसमें आराम से 3-4-5 हज़ार बच्चे आ जाएं, ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि यार हम उनसे नहीं मिल पाए। आप सभी को दिल से बहुत सारी ब्लेसिंग्स कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं लाइफ में वो आप कर लें। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।